कि आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा प्लान कर रहे हैं एंड आप सर्च कर रहे हैं राइट टाइम टू अप्लाई योर वीजा, एंड इस टाइम प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, कौन सी प्रोफाइल्स का वीजा आ रहा है, रिफ्यूजल रेट कितना है, क्या अब सिनेरियो जैसे वर्ल्ड कप में देखने को मिला था वैसा ही चल रहा है या फिर ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव आया है, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बनी रही। हाय गाइस, मैं मेहक गुप्ता, एकेडमी ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग जैतो से। आज की वीडियो स्पेशल उन व्यूअर्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा प्लान कर रहे हैं फॉर क्रिसमस या फिर न्यू ईयर। सो गाइस, बेसिकली द थिंग इज कि ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर जनवरी फेब में समर होती है एंड इस टाइम टूरिज्म उनका पीक पे होता है, इसी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि रिफ्यूजल रेट कम हो गया है एंड काफी वीजा ग्रांट हो रहे हैं। एंड स्पेशली जो एज ब्रैकेट है, जो एज एप्लीकेंट्स हैं उनके वीजाज आ रहे हैं एंड उनका प्रोसेसिंग टाइम आप ये मान के चलिए कि 10 डेज में ही एज कैटेगरी का वीजा आ रहा है। अब बात करते हैं जो यंग एप्लीकेंट्स हैं, अनमैरिड हैं या फिर जो एप्लीकेंट्स 30-40 की एज ब्रैकेट में है, गाइज इस कैटेगरी का रिफ्यूजल रेट कंपेरेटिवली ज्यादा आ रहा है एंड इनका प्रोसेसिंग टाइम भी अप्रोक्सीमेटली 20-40 डेज लग रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाना क्रिसमस या न्यू ईयर पे, तो गाइस आप अभी 2-3 डेज में अपनी फाइल लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि एज आई सेड कि मैक्सिमम टाइम 40 डेज लग रहा है। इवन इफ आपका वीजा क्रिसमस न्यू ईयर तक नहीं आया, फिर भी आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पर्पस ऑफ विजिट को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपके टाइज इन योर होम कंट्री स्ट्रांग है, तो आपको वीजा मिलेगा चाहे आपका क्रिसमस न्यू ईयर सरपास हो गया। आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आपके टाइज टू योर होम कंट्री स्ट्रांग होने चाहिए, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपकी फाइल में प्रेजेंट हैं, तो आप अपना वीजा फाइल कर सकते हैं क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे। सेकेंड चीज, जिन केसेस के पास अपनी स्पॉन्सरशिप है, उनके लिए ओकेजन कोई मैटर नहीं करती, वो अपना वीजा कभी भी फाइल कर सकते हैं। बट जो होटल बुकिंग्स के बेसिस पे अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए ये ओकेजन बहुत ही रेलेवेंट होने वाली है। सो गाइज, यस, वीजा सक्सेस रेट अच्छा चल रहा है। जैसे कि हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि बहुत रिफ्यूजल रेट था, अब वो ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड इस टाइम जो फाइल्स है वो चाइना में नहीं जा रही, दिल्ली में जा रही है, इसलिए भी हम ये कह सकते हैं कि वीजा ट्रेंड पॉजिटिव है। थैंक यू गाइज, इफ यू लाइक माई कंटेंट एंड वीडियोज एंड वॉन्ट such useful updates, please subscribe to my YouTube channel and share this video with your friends and mates. Thanks.